तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में FIR रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली FIR अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। थैंक यू। लॉ होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं चलता है, तो कानून तो यही है कि जो पुराना केसेस दर्ज हुए हैं वो IPC में ही चलते रहेंगे और उसमें CRPC ही लागू होती रहेगी। लेकिन अब आज जब 1 जुलाई से नए केसेस दर्ज होंगे उसमें BNS जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शंस लगेंगे, तो उसी तरह से CCTNS को भी प्लान किया गया है कि पुराने जो केसेस हैं वो पुराने सेक्शंस में ही चलते रहेंगे और एक नया पृष्ठ जो खुलेगा आज से उसमें जो भी आज से केस दर्ज होगा वो BNS में दर्ज होगा। सिमिलरली जो CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो बदलाव है उसमें भी समझने वाली बात है कि जो आज से प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को फॉलो करेगा, नॉट CRPC। तो ये बदलाव आया है और ये क्योंकि हमने ट्रेनिंग दे दी है, समझा दिया है, हमारे CCTNS को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है, वो उस हिसाब चलेगा। तो पुराने केस पुराने उसमें चलेंगे CRPC एंड IPC में और जो नए केस हैं वो BNS और BNSS पे चलेंगे। हमने उनकी आसान तरीके से वो किस तरीके से अपना जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी कर सकें, जैसे कैसे पहले IPC के नंबर अलग थे अब हमारे सेक्शंस के नंबर बदल गए, तो हमने एक ही बड़ी आसान सी पुस्तिका बनाई है जो कि आराम से आपकी जेब में जा सकती है। इसमें हमने इसको हमने 4 भागों में बांटा है, इसमें IPS से BNS, फिर BNS में जो नए सेक्शंस ऐड हुए हैं वो, फिर इसमें 3 साल 7 साल से जो फर्क आया है वो हमने बताया। इससे क्या होगा कि जिस जो 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट वाले अपराध हैं उसमें जो प्रक्रिया है वो थोड़ी फर्क है, उसमें ज्यादा डिटेल्ड है, तो उसका भी उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से अपराध हैं जो अब 7 साल की कैटेगरी में आते हैं, ताकि उनका जो हैंडलिंग ऑफ दैट ऑफेंस है वो डिफरेंट होगा। तो वो भी दिया है और एक बड़ी आसान सी हमने एक इसमें वो डाली है टेबल, जिसमें रोजमर्रा की जो पुलिसिंग में हम सेक्शन यूज करते हैं, जैसे कि 751 हो गया या फिर ऐसे सेक्शन हो गए जो हम क्लब करके यूज करते हैं, उनकी हमने एक आसान सी वो टेबल बना दी है जिसमें एक तरफ जो IPC के जो पहले यूज करते थे और अब जो हम आगे जाके यूज करेंगे इन भारतीय न्याय संहिता, तो ये हमने करा है।